जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो है 13 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। बाकी के क्वेश्चन हम इस टेस्ट सीरीज 2 में जो हम कवर करने वाले हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या इतना इजी लेवल रहने वाला है ना। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को बता दूं कि ये जो एग्जाम है ना, ये CISF HCM का होने वाला है, ठीक है। ना कि ये CGL का या CHSL का पेपर नहीं है। इसमें टाइपिंग भी चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी चाहिए, ठीक है। तो इसका लेवल जो है वो नॉर्मल टू मॉडरेट ही रहेगा, इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो अगर किसी का लेवल ज्यादा है, किसी को अच्छे से मैथ आता है, तो अपना लेवल मेंटेन रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक संख्या और उसकी 50%, यानी मान के चलो एक संख्या एक्स होगी और उसकी 50% यानी कि एक्स बाय टू होगी, और उसकी 25% यानी कि एक चौथाई एक्स बटे चार हो गया। कहता है इन सब का एवरेज, एवरेज यानी कि प्लस कर दो तीनों को और डिवाइड कर दो 3 से। इनका जो एवरेज है वो कितना है, 210 है। हमें वो संख्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या है। तो ये जो 3 है फ्रेंड्स, ये यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा। अब फ्रेंड्स, इनका एलसीएम ले लेते हैं हम। क्या आएगा एलसीएम, आएगा इनका 4 नीचे और ये 4x आ जाएगा, और 2 2 4, ये 2x आ जाएगा और ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 630 मल्टीप्लाई करने पे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आगे। अब 4x और 2 6 और 1 7x, और डिवाइड में 4 था, बराबर 630, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई डाउट ही नहीं है किसी को, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब फ्रेंड्स, ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये जो 7 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ये जाएगा 90 पे, 7 में 63 और 9 4 36, यानी कि 360 जो है फ्रेंड्स वो एक्स की वैल्यू है। यही हमारा आंसर है, क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक तो मतलब सबको आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इससे आसान सवाल तो कोई है नहीं। 15वें क्वेश्चन में फ्रेंड दिया हुआ आपको कि यदि 100 का 3/4 भाग, फ्रेंड्स 100 का 3/4 भाग कितना होता है, 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। चाहे मल्टीप्लाई करके देख लो, 25 पे जाएगा। ये जो है आसान सा सवाल है, 75 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि 100 के 3/4% से, तो 100 का 3/4% कितना होता है दोस्तों, 100 का 3/4% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 3/4% से एक्स परसेंट ज्यादा है, ठीक है, एक्स परसेंट ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये जो 75 है ना, वो इससे एक्स परसेंट ज्यादा कितना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है कितना परसेंट ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, 75 दे दिया, ठीक है, ओके। अब ये 75 में से कितना ज्यादा है फ्रेंड्स, तो 3/4 एक्स्ट्रा बता रहा है ना ये, तो हम क्या करेंगे, 3/4 कितना है उसी के हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 75 - 3/4, ठीक है। और इसका हमें क्या निकालना है, एक्स का एक्स परसेंट पूछ रहा है ना आपसे, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे यानी परसेंट निकालने के लिए, ओके। तो ये 25 थी, ये 75, और 25 6 100, यहां तक क्लियर है। ये 3 जो है ना फ्रेंड्स, अब इसको इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं हम। तो ये जो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो 75 को जब 4 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा, -3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय, ये तो यहाँ आया ही हुआ 4, और ये जो 3 है ये 3 का 3 आ जाएगा नीचे, ओके। तो 4 से 4 कट जाएगा, और 300 में से जब 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 297, और डिवाइड बाय क्या जाएगा, 7। तो 3 9 27 और 3 9 27, 99 जो है ना फ्रेंड्स, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार थोड़ा इसको रिपीट करके वीडियो को फिर से देख सकते हो आप। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बट इनको थोड़ा सा घुमा के निकालना पड़ेगा आपको। शॉर्ट ट्रिक्स भी काफी होती है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जो है ना, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आती है वो इनफ है। अब आपको सॉल्यूशन प्रॉपर निकालना है, क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 200 के बीच में 7 से विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ठीक है। 3 से 200 के बीच में कितनी होंगी, देखो 3 तक तो कोई 7 से डिवाइड होगा नहीं, उसके बाद 200 तक पूछ रहा है आपसे। तो फ्रेंड, 200 को जो है ना आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 7 2 14, 6 आ गया, और 7 8 56, उसके बाद 4 बच गई है ना, तो 28 जो है टर्म वो आपकी डिवाइड हो रही है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 28। आसान सा क्वेश्चन है,
बहुत सारे लोगों को आता भी है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो अपना लेवल मेंटेन करके रखना। अब कह रहा है कि यदि 2 की पावर x गुणा में 5 की पावर x के अंत में 5 होता तो x का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे, अंत में 5 पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आप सपोज करके चलते हैं, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 गुना 2 10 आ जाएगा। हमें पता है कि जब हम 5 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 10 ही आएगा, 100% 10 ही आएगा, किसी भी हालत में लास्ट में 5 नहीं आएगा। तो x की वैल्यू चाहे कितनी भी हो 5 नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, x का कोई मान नहीं होगा। क्लियर है, आसान आसान से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, व्यू से ही मोटिवेशन हमें भी मिलता है कि हमारी वीडियो को लोग इतने अच्छे से देख रहे हैं। अगर आपने अपने चैनल पे किया हुआ है तो अपने आसपास के दोस्तों को भी आप जो है इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है 11√n बराबर √112 + √743। तो n का मान क्या होगा फ्रेंड्स, अब आपको सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले √112 को हम सोल्व कर लेते हैं, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे। तो 112 का हम देखते हैं किस किस से डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 2 4 और 2 8 16, फिर 2 से चला जाएगा, 14 आ जाएगा, है ना, और फिर ये 2 से चला जाएगा तो क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, अब आगे नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखो, 2 2 4, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया। जब दो चीजें एक जैसे निकल आती है ना तो उसको हम बाहर ले आते हैं, जब आप, ठीक है, बाहर आ गया, अब ये सिंगल बचा है 7, तो ये 7 अंदर यहां रह जाएगा। जिनको आता है मैथ तो अभी तक कर ही चुके होंगे, 1 पर से 1 सेकंड का सवाल था, ज्यादा का है ही नहीं है, ठीक है। अब फ्रेंड 343 को जब आप करोगे ना तो ये 7 से डिवाइड होगा, ये 7 का एक्चुअल में क्यूब होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 बाहर निकाल लेंगे और √7 रह जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब फ्रेंड्स ये देखो, 4 √7 है और 7 √7 है, टोटल कितने √7 हो गए, 7 और 4 11 √7 हो गए, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसको और इसको कंपैरिजन करो आप, 11 है √√ है यहाँ पे, तो एन की वैल्यू कितनी आई हुई है, 7 आई हुई है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। काफी आसान है, ठीक है, आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन आपको बस गलत नहीं करना है, जल्दबाजी में आसान समझ के कई बार गलत कर देते हैं। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि 5 का मान कितना है, तो फ्रेंड्स पॉइंट के बाद हमेशा शुरू होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, तो आपसे पूछ रहा है कि 5 का मान कितना है, तो दहाई है, यानी 10, यानी 10 वाला है ना, 0 करते हैं, 1 10 करते हैं, तो 5 10 जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं में से 7 दशमलव कौन सा है, ये 7 नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये शांत दशमलव है, ठीक है, शांत दशमलव कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसको डिवाइड करोगे ना आप तो क्लियर सा पता चल रहा है, एक इसको 1 करोगे तो 0.5 आएगा, और इसको करोगे तो 7 6 28 और फिर पॉइंट लग जाएगा, और फिर आगे पॉइंट से आगे चलता जाएगा, है ना, सॉरी 0.7 6 28, फिर भी ये हो नहीं रहा है, मतलब आगे तक जाएगा। सेम इसी में भी 7 6 28 7.5 और फिर आगे ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और सेम ये भी जो है ना आपका चलता जाएगा 3 6 18 3 6 18 ऐसे। तो शांत कौन सा है, 1.05 1/2, ये शांत दशमलव जल्दी ही सॉल्व हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब एक संख्या के 60% में से एक्स का 60%, यहां तक कोई डाउट नहीं है, कोई संख्या एक्स है उसका 60%, उसमें से 60 घटाया जाता है तो रिजल्ट इसका 60 आता है, तो आपको ये संख्या पूछनी है x क्या है, तो ये जो 60 यहाँ पे माइनस का है फ्रेंड्स, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये यानी ये हो जाएगा x गुणा 60 बराबर, ये 60 और 60 120 हो जाएगा, और ये 100 है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा, ये 60 इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके डाउन में आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गई, ये कितने पे चला जाएगा, 200 पे चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 200 होगी। यहां तक सबको क्लियर है। अगले क्वेश्चन में कहता है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग 68 है, तो फ्रेंड्स 2 संख्याओं के वर्गों का योग, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, 2 संख्याएं हैं
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दो संख्या एक्स और वाई, उनके वर्गों का जोड़ कितना है, वो 68 दिया हुआ है। ओके, अब कहता है कि उनके अंतर का वर्ग जो है वो 36 है। फ्रेंड्स अब ये आपको ये कह रहा है कि अंतर, दोनों का जो अंतर है ना उसका जो वर्ग है वो कितना है, 36 है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखें साथ के साथ। तो अब कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि आपको x गुणा वाई यानी एक्स वाई निकालना है। फ्रेंड्स क्या तरीका होगा इसका, x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, यही है ना। तो x इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 36 है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 68 दी हुई है, तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई, यहां तक क्लियर है। इस टू एक्स वाई को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 36 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 68 माइनस 36, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 और 32 है ना, 68 में से जब 36 घटाओगे 32 रह जाएगा, तो ये 2 जो है फ्रेंड्स इसके मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, ठीक है 16 इसका आंसर आ जाएगा। काफी आसान है, जब मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ तो मैं इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, कोई स्टूडेंट ऐसा ना बचे जिसको ना आता हो, और बाकी तो सबको आता ही, आज के टाइम में मैथ सबका ही मतलब स्ट्रॉन्ग होता है ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी पूरी भाग हो जाती है। फ्रेंड्स 99 से भाग होने का मतलब है कि वो संख्या 11 से भी भाग होगी और 9 से भी भाग होगी, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि मैं सबसे पहले फर्स्ट पे और लास्ट पे ट्राई करता हूँ, बाकियों पे बाद में जाता हूँ, फर्स्ट को कोशिश करते हैं करने की, 11 से करके देखते हैं। 11 चौके 44 और इसमें बचे अब 7, 75, 11 छके 66 और फिर बचे 9, 11 8 88 और फिर बचे 9, 11 निम्न 99, 11 से तो ये हो गया, अब 9 से करके देखते हैं। 9 चौके 36 सॉरी 9 पंजे 45, ठीक है 65 बच गया, 9 सात 63 27 बच गया, 9 3 27 और 9 एक 9, ये जो संख्या फर्स्ट टर्म जो है ना फ्रेंड्स आपकी ये पूरी पूरी डिवाइड हो जा रही है, तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो है इसी को अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है कि जो भी आपको संख्या दी हुई है उनका आप टोटल कर लो, फॉर एग्जाम्पल 5 और 1 6, 6 और 3 8, 9, 9 7 16, 16 17 18 और 18 और 9 27, ठीक है। अब ये 27 फ्रेंड्स अगर 3 से डिवाइड हो रहा है ना तो ये पूरी की पूरी जो संख्या ये भी आपकी डिवाइड हो जाएगी, तो ये डिवाइड हो रही है। अच्छा इसके बाद ये वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाली देख लेते हैं, 9 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 5 23 और 1 24, 24 और 6 30, 30 भी 3 से भाग हो रहा है, 6 और 3 9, 4 13 और 2 15, 1 16 और 8 24, ये भी हो रहा है भाग, 3 से हो जाता है, 9 और 3 12 और 5 17 और 4 21, 21 और 2 23 और 7 30 और 8 38, ठीक है। ये 38 जो है वो 3 से भाग नहीं होगा तो ये आपकी विभाजित नहीं की जा सकती, ठीक है। बड़े आसान से हैं, क्वेश्चंस देख के भी आप टिप लगा सकते हो, जो लोग तैयारी करते हैं ना वो इन क्वेश्चंस को पेन से करना भी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर देख के टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन देख के आंसर टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है, तो आपको जो है और संख्याओं की व्युत्क्रम का जो एवरेज है वो 7/12 है, आपको संख्या बतानी है कौन कौन सी है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं, हम इसी के अंदर सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो एक तरीका तो ये दोस्तों आप ऑप्शन से ट्राई कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि आपको प्रॉपर जाना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर यानी कि जो मेथड है वो वाला, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई वो दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए हम इसको इसी तरीके से करते हैं, यहाँ पे तीन संख्याओं में कह रहा है, एक तो संख्या होगी एक्स, मान लो पहली एक्स होगी, दूसरी संख्या उसकी 2 गुना है ना, और तीसरी संख्या उसकी दूसरी संख्या की 2 गुना है। सपोज करो कि तीसरी संख्या एक्स है तो ये जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 2 गुना हो जाएगी, यानी तीसरी संख्या इसकी 2 गुना हो जाएगी और पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुना, तो ये 4x हो जाएगी, यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है कि इनकी व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका जो व्युत्क्रम यानी इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे हम, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, इन तीनों का जो है ना औसत, इन तीनों की जो एवरेज है,
डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, वो 7/12 है। यहां तक क्लियर है? अभी 3 यहां डिवाइड में है तो यहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 × 12। यहां तक क्लियर है? अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम ले लेते हैं इसका 4x ही ले लेते हैं, 4x इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहां पे 1 आएगा और 2 × 4 यानी 2 आ जाएगा और 1 × 4 = 4 यानी 4 आ जाएगा, बराबर 7/4 है ना। तो 4 × 2 = 6 और 1 = 7, यहां भी 7 ही आ रहा है, 7/4 आ रहा है। 7/4 से 7/4 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। क्लियर है? अब x की वैल्यू यानी कि एक तो ये 1 होगी और ये 1 × 2 = 2 हो गई और 1 × 2 = 4 हो गई, यानी 4 × 2 = 1। ये जो आपका बी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको बताना है। किसी दो अंकीय संख्या यानी दो अंकीय संख्या सपोज कर लेते हैं मान लो 25, कोई भी ले सकते हो आप, और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर, इसके अंकों को उलट कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है, उनका योगफल, इन दोनों का योगफल क्या हो जाएगा? 7 और 7 = 77। कह रहा है सदैव विभाजित होगा, किससे भाग होगा भाई? पता लग रहा है 11 से हो रहा है और 7 से हो रहा है ना, तो सपोज करो कि इसमें 11 से हो रहा है। अब फ्रेंड्स एक संख्या और ले लेते हैं हम, क्या लेंगे? 24 ले लेते हैं, 24 और 42 ऐसे ही है ना, ये हो जाएगा 66। तो इनके आप देख रहे हो कि 11 से जो है ना हर टर्म भाग होने वाली है 11 से, तो 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में फ्रेंड दिया हुआ है 3 संख्याओं का योगफल 392 है, 3 संख्याओं का योग 392 है। ये फ्रेंड्स रेशियो वाला क्वेश्चन है, अनुपात वाला। तो सपोज करो कि 3 संख्याएं कौन कौन सी है, ए बी और सी, ये 3 संख्याएं। कहता है कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या से 2:3 है। क्लियर है? कह रहा है दूसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, ये अनुपात जो है ना बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये 2 है, इसको 3 को मुझे इन दोनों को बराबर करना है। ये बराबर कैसे हो सकते हैं, इस 5 से इन दोनों को गुणा कर दूं, तो 5 × 2 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 5 × 3 = 15 आ जाएगा। ठीक है, और इस 3 से इन दोनों को गुणा कर दूं, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24, यानी कि हमें इसको बराबर करना है। तो अब हमारी संख्या क्या क्या बन गई, 10, 15 और 24, 3 बन गई। तो फ्रेंड्स अब देखो 10, 15 और 24 इनका टोटल कितना होता है, ये हो जाएगा 9 और 4, 49 हो जाएगा। अब कहता है कि तीसरी संख्या आपको निकालनी क्या है, तो फ्रेंड तीसरी संख्या कितनी है, 24 है, टोटल कितना है, 49 है। ठीक है, और ये टोटल कितना दिया हुआ है, 392 दिया हुआ है। आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या आएगा, 77 और 49 और ये कितने पे कटेगा, 7 × 7 = 35 और 7 × 6 = 42, 56 पे कट जाएगा। ठीक है, और ये फिर दोबारा कट जाएगा, 7 × 8 = 56, 24 × 8 = 8, 6 = 32, 2 × 3 = 8, 2 × 16 = 19, ये जो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये सिर्फ प्रैक्टिस करवाने के लिए करा रहा हूँ आपको, मैथ के बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, लेकिन हम सिंपल यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है दोस्तों, आपको करना है वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करके देखें। 2:3 और 5:8 दिया हुआ है, क्या करेंगे, 5 को 2 से करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, क्या आ जाएगा, टोटल 49 आ जाएगा। अब कह रहा है कि पहली संख्या क्या है, पहली संख्या निकालनी है आपने, पहली संख्या कितनी है, 10, तो 10/2 टोटल 49 और इसका मल्टीप्लाई कितना करें, कितने से करेंगे, जो इन सबका टोटल दिया हुआ है 392, तो करेंगे इसको, क्या आएगा, 77 × 49, ये कितने पे कटेगा, 56 पे, और 7 × 8 = 56, 8 पे, 8 × 10 क्या हो जाएगा, 80 जो है इसका ही फर्स्ट टर्म आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? काफी आसान है फ्रेंड्स, काफी आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक संख्या को 391 से भाग देने पर शेष 58 बचता है। तो कहता है संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो पहले तो इसको इससे कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 17 × 34 और 17 × 3 = 51, 23 पे पूरा पूरा जा रहा है। अब फ्रेंड्स क्या बचा, शेष, शेष को भी करके देख लेते हैं। तो इस 17 से जब करोगे तो 17 × 3 = 51 और बचेगा 7, नीचे बचेगा 7, तो शेष क्या बच गया आपका, 7 बच गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। 2 संख्याओं का योगफल 14 है
यानी कि एक्स प्लस वाई जो है ना फ्रेंड्स, दो संख्याएं, उसका जो आंसर वो 14 है, और उनका जो अंतर है ना एक्स माइनस वाई वो है आपको 10 दिया हुआ है। तो आपको इनके गुणनफल निकालना, यानी एक ही एक्स गुणा वाई निकालना आपने, क्या आएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जब उधर डिवाइड में जाएगा 12 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 12 है प्लस y बराबर 14, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 12 गुणा 2 क्या हो जाएगा, x की y, y से वैल्यू 12 दुनी 24, ठीक है। अब फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन हम करते रहेंगे, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।